जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम लोग सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं जिसमें हम सुदर्शन सेतु, यहाँ दोस्तों बेट द्वारका जाते समय द्वारका और बेट द्वारका को जोड़ने के लिए पहले समुद्र के रास्ते से नाव से जाया जाता था, अभी वहां पर बन गया था सुदर्शन सेतु जो हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। और ये उसका पार्किंग है जो सुदर्शन सेतु उतरते ही राइट साइड में पड़ता है, जो बिल्कुल फ्री है। उसके अलावा लेफ्ट साइड वाला पार्किंग जो है उसमें 50 रुपये लगते हैं। दोस्तों सुदर्शन सेतु उतरने के बाद आपको गाड़ी यहाँ खड़ी कर देनी है। इस तरह के छोटे छोटे ऑटो जो हैं ये आपको वहाँ बेट द्वारका मंदिर तक द्वारकाधीश दर्शन कराने के लिए लेकर के जाते हैं। इसमें 20-20 रुपये दे करके या पूरा ऑटो बुक करना है तो 100 रुपये में बुक करके आप यहाँ से जा सकते हैं। जो लोग पैदल चलना चाहते हैं उनके लिए 1-2 किलोमीटर के बाद में वह मंदिर आ जाता है। तो दोस्तों हम निकल गए हैं बेट द्वारका दर्शन करने के लिए। बेट द्वारका एक अत्यंत ही पवित्र तीर्थ स्थल है जिसके बारे में माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का मूल निवास स्थान था जब उन्होंने राजा के रूप में द्वारका में कई वर्ष बिताए थे। यह भूमि कच्छ की खाड़ी में द्वारका के तट पर स्थित है। बेट द्वारका का दूसरा नाम बेट शंखोद्रा है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण का वास्तविक स्थान यही था और इस स्थान का नाम बेट या उपहार से लिया जाता है जो भगवान कृष्ण को उनके मित्र सुदामा से इस स्थान पर मिला था। हमारे प्राचीन महाकाव्य भारत में हम अक्सर बेट द्वारका का उल्लेख अंतरद्वीप के नाम से भी जानते हैं। यहाँ यादव वंश के लोग नाव से यात्रा करते थे। इस द्वीप को शंखोदर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आप जब ऑटो से यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आपको मंदिर जाना है। मंदिर जाने से पहले आपको रास्ते में अगर प्यास लगी है, कुछ भोजन आप करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों बेट द्वारका में पूजा के बहुत सारे स्थान हैं जिनमें से कुछ प्रमुख स्थान है श्री केशव राय जी मंदिर। यह बेट द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। माना जाता है इस मंदिर की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी और यह लगभग 500 साल पुराना है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान कृष्ण के बेट द्वारका स्थित निवास स्थान पर ही बनाया गया है और मंदिर की मूल मूर्ति भगवान कृष्ण की पत्नी देवी रुक्मिणी द्वारा स्थापित की गई थी। दोस्तों इसके अलावा आता है हनुमान दंडी। बेट द्वारका के हनुमान दंडी मंदिर में भगवान हनुमान और मकर ध्वज की मूर्तियां स्थापित हैं। मकर ध्वज हनुमान जी के पुत्र हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी के शरीर से पसीने की एक बूंद एक मछली ने पी ली थी जिसके बाद में एक पुत्र को जन्म दिया था जिसे मकर ध्वज नाम दिया गया। दोस्तों यहीं पर ही अभ्या माता मंदिर भी है, जो हम आकर के जहां हमने गाड़ी खड़ी की थी वहीं पर ही यह अभ्या माता मंदिर आगे जाकर के आपको मिल जाएगा। यह बेट द्वारका द्वीप के सुदूर दक्षिण कोने पर स्थित है। एक छोटा सा बहुत ही आकर्षक मंदिर है और यह देवी अभ्या माता जी का है। इसमें बहुत सारे अन्य छोटे छोटे मंदिर भी मौजूद हैं। बेट द्वारका में हिंदू देवी देवताओं को समर्पित कई छोटे मंदिर हैं, जैसे राधिका जी, रुक्मणी जी, जम्बावती, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सत्यभामा, लक्ष्मी माता, देवकी माता, त्रिविक्रम, भगवान विष्णु का मत्स्य रूप और भी बहुत सारी अन्य जगहें भी हैं। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर जैन मंदिर भी है। बेट द्वारका में जैन मंदिरों का भी एक समूह है जहाँ 24 प्रसिद्ध जैन तीर्थंकरों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दर्शन का समय बेट द्वारका मंदिर में इस प्रकार है, सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 3 बजे से शाम 6 बजे तक। तो दोस्तों यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग लाइनें लगती हैं। आप समय से पहुंच करके अपनी लाइन में लग जाइए और अंदर जाकर के दर्शन कर लीजिए। हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, अब हम बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं बहुत बहुत भीड़ होती है। दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे लेकर के आपके लिए आने वाले हैं बेट द्वारका में सोने की द्वारका का वीडियो, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।